हेलो एवरीवन, टिकलेस एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में मैग्नेटिक सर्किट ये यूनिट को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसका 12th प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। वैसे इसके पहले के सभी प्रॉब्लम्स और सभी टॉपिक स्टडी करने के लिए आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमें मैग्नेटिक सर्किट का 12th प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन क्या रहेगा उसके लिए, क्वेश्चन रहेगा An iron ring with mean length of 60 cm is uniformly wound with 250 turns of wire. Calculate the value of flux density if a current of 2 ampere flows through the wire. Assume relative permeability equals to 500 for iron. तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम वही फार्मूलेस का यूज करेंगे जो हमने मैग्नेटिक सर्किट के फर्स्ट लेक्चर में बताए थे। तो अगर आपने वो फर्स्ट लेक्चर नहीं स्टडी किए हैं तो आप यहां से स्टडी कर लीजिएगा, उसमें आपको मैग्नेटिक सर्किट यूनिट में यूज होने वाले सभी फार्मूलेस मिल जाएंगे। तो चलो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका गिवन डाटा लिखेंगे, देन आफ्टर इसका सॉल्यूशन बनाएंगे। क्वेश्चन हमने आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन डाटा अगर हमें लिखना है तो देखो क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। क्वेश्चन में लिखा है एन आयरन रिंग विथ मीन लेंथ ऑफ 60 सेंटीमीटर। मीन लेंथ दिया है, इट मींस ये एल दिया है 60 सेंटीमीटर। मीन लेंथ को मीन सर्कमफेरेंस भी कहते हैं और इसको एल से शो किया जाता है। तो ये हमने लिखा है 60 सेंटीमीटर और ये सेंटीमीटर में है तो हमें इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये हम लिखेंगे 60 × 10⁻²⁰ मीटर। हमेशा ध्यान में रखो मैग्नेटिक सर्किट के हर एक प्रॉब्लम में कोई भी यूनिट अगर सेंटीमीटर या मिलीमीटर में हो तो आपको उसको मीटर में कन्वर्ट करना होता है। यूनिट कन्वर्जन क्या है, कैसे करना, वो भी हमने मैग्नेटिक सर्किट के फर्स्ट लेक्चर में बताए थे, वहां से आप स्टडी कर सकते हैं। तो ये हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिए मीन लेंथ को। क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे, आगे लिखा है इज यूनिफॉर्मली वाउंड विद 250 टर्न्स। तो यहां पे नंबर ऑफ टर्न्स दिया है कितना, 250। इट मींस तो ये हम लिखेंगे n, दैट इज 250। नंबर ऑफ टर्न्स दिया है 250 टर्न। क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे, आगे लिखा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फ्लक्स डेंसिटी। इट मींस हमें फ्लक्स डेंसिटी b फाइंड आउट करना है इफ अ करंट ऑफ 2 एंपियर। करंट दिया है, इट मींस i दिया है कितना, 2 एंपियर का करंट दिया है और फ्लोस थ्रू द वायर। क्वेश्चन में आगे लिखा है रिलेटिव परमेबिलिटी 500। इट मींस म्यू आर का वैल्यू यहां पे दिया है 500 और क्या फाइंड आउट करना है वो हम यहां लिख लेते हैं, हमें b फाइंड आउट करना है। तो फाइनली काफी सिंपल प्रॉब्लम है, हमने गिवन डाटा पूरी तरह से लिख दिया है और अब हम इसको सॉल्व करेंगे। और सॉल्व करने के लिए फार्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो हमें अगर b फाइंड आउट करना है तो b कौन से फार्मूले में आता है तो वो हमें चेक करना पड़ेगा। b जो है वो h के फार्मूले में आता है। फार्मूला क्या है, देखो h का फार्मूला ऐसा है, दैट इज b बाय म्यू 0 इनटू म्यू r। देखो ये है h का फार्मूला। h माने क्या होता है, h माने मैग्नेटाइजिंग फोर्स या बोलो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या बोलो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये h के फार्मूले में b आता है, b दैट इज फ्लक्स डेंसिटी। म्यू 0 इनटू म्यू r, म्यू 0 माने एब्सोल्यूट परमेबिलिटी और म्यू r माने रिलेटिव परमेबिलिटी। म्यू 0 का वैल्यू तो स्टैंडर्ड होता है और म्यू r का जो वैल्यू है वो यहां पे दिया हुआ है। इट मींस यहां से हम आसानी से b फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन b फाइंड आउट करने के लिए हमें h पता होना चाहिए। तो h हमें पता है क्या, गिवन डाटा में दिया है क्या, नहीं। तो हमें h दूसरे फार्मूले से निकालना पड़ेगा। h फाइंड आउट करने का एक और फार्मूला आता है, h फाइंड आउट करने का फार्मूला है, दैट इज n into i by l, इट मींस mmf by length। ये फार्मूला है, That is n into i by l। यहां से आप आसानी से h फाइंड आउट कर सकते हैं। n, i और l ये सब कुछ जो है वो यहां पे दिया हुआ है। तो फाइनली ये दोनों फार्मूले से प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाएगा। पहले ये फार्मूले से h निकालो, फिर वो यहां h यहां पुट करके b निकालो, प्रॉब्लम समाप्त। तो चलो हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दैट इज मैग्नेटाइजिंग फोर्स, मैग्नेटाइजिंग फोर्स दैट इज h। फार्मूला हमने क्या बताया, n into i by L। बस यहां पे सभी का वैल्यू पुट करो, n का वैल्यू 250, i का वैल्यू 2 और L कितना है 60 × 10⁻²। तो ये हमने यहां लिख दिया है, बस इसको कैलकुलेटर में हमें सॉल्व करना है। देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। न्यूमरेटर में है 250 × 2 / 60 × 10⁻²। तो ये आ चुका है, दैट इज 833.333 और इसका यूनिट हम लिखेंगे 80 पर मीटर। तो ये हमें क्या मिल गया, ये हमें H मिल गया, इट मींस मैग्नेटाइजिंग फोर्स दैट इज मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ हमें मिल गया और इसी का यूज करके हमें अब B फाइंड आउट करना है। तो ये फार्मूला हमें पता है तो हम यहां पे लिखेंगे नाउ वी हैव H इक्वल्स टू B बाय म्यू 0 म्यू r। ये फार्मूला हमें पता है और यहां से हमें b निकालना है। तो हमें b का फार्मूला यहां से तैयार करना पड़ेगा। तो b इक्वल्स टू हो जाएगा, ये h को इससे मल्टीप्लाई करा दो, h इंटू म्यू 0 म्यू r, ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है।
और अब बस एच का वैल्यू पुट अप करो 833.333 इंटू म्यू जीरो का स्टैंडर्ड वैल्यू होता है 4π × 10⁻⁷, ये म्यू जीरो का स्टैंडर्ड वैल्यू होता है, और म्यू आर कितना है क्वेश्चन में 500, बस इस ये तीनों को मल्टीप्लाई करो तो हमें बी मिल जाएगा। तो देखते हैं कैलकुलेटर में सॉल्व करने के बाद ये क्या आता है, 833.333 इंटू 4π × 10⁻⁷ इंटू 500, तो ये आ चुका है दैट इज 0.5235, तो हम लिखेंगे 0.5235 और इसका यूनिट रहेगा वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो फाइनली क्वेश्चन में जो बी फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो बी हमने फाइंड आउट कर लिए और प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ये था मैग्नेटिक सर्किट का प्रॉब्लम नंबर 12। इसके पहले जो हमने इसके 11 प्रॉब्लम्स लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले वीडियोस में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। इसके पहले के सभी प्रॉब्लम्स और सभी टॉपिक स्टडी करने के लिए आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियोस देख सकते हैं। आपको अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स जिनको इसकी जरूरत है आप उनके साथ इसको शेयर करिए, कुछ डाउट्स है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आपने अगर अभी भी अगर हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करिए ताकि इसी तरह के यूजफुल वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।